रमण बिहारी ठाकुर हमारी यमुना मैया हम है यमुना मैया के ठाकुर हमारी यमुना मैया हम है यमुना मैया ठाकुरो हम रे सतगुरु प्यारे हम है सतगुरु प्यारे के ठाकुरो हम रे सतगुरु प्यारे हम है सतगुरु प्यारे साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया लाख हो चाहे दुराख हो चुके रमण बिहारी के चाहे दुराख हो चुके रमण बिहारी भलाक हो जाए पुराक हो ओ चुके रमण बिहारी के भलाक हो जाए पुराक हो चुके रमण बिहारी हम हो चुके यमुना मैया के हम हो चुके यमुना मैया के हम हो गए सतगुरु प्यारे के हम हो गए सतगुरु प्यारे हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। भगवान की एक प्रतिज्ञा है और उन्होंने उसको पक्का कराने के लिए अर्जुन से और कहलवा दिया, मेरा वचन टले टल जाए भक्त का टल दे दे। भगवान ने कहलवाया अर्जुन, अर्जुन प्रतिज्ञानी ही नमे भक्त पश्य, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं, नाश माने अकल्याण कभी नहीं। और भगवान इस विषय में बड़े सचेत, हुँ, हुँ,
भक्त अब अगर कहीं लीक से डगमगा जाता है तो भगवान कहते हैं जीव बालक राखे महतारी। अगर छोटा बालक अज्ञान वशात अज्ञानता वशात कहीं चक्कू कहीं अग्नि कहीं सर्प आदि को पकड़ना चाहे तो भगवान माता के समान उसे वहां से बचा दे। हमारे संत कहते हैं भगवान में वैषम्य नैर्गण्य दोष है, ये भक्तों की परिभाषा। हमारे भगवान भक्तों का पक्षपात करते हैं, अरे न करे तो भक्ति मार्ग कैसे चलेगा पता। दया की न होती है जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। काहे को हम मुजरिम बनते तो काहे को हाकिम रहते, तुम्हारी बादशाही कहाँ से चलेगी माई डियर भगवान। अगर कहीं भक्त डगमगा गया है तो जैसे जंगली हाथी को पकड़ने के लिए सधा हुआ हाथी लगाया जाता है, जो लोग जानते होंगे हाथी कैसे पकड़ा जाता है तो जानते, सधे हुए हाथी के द्वारा उस जंगली हाथी को पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही कुछ अगर इस तरह के कुछ हाथी हैं भक्त तो भगवान किसी न किसी भक्त का सहारा लेके इसको खींच लेते। आखिर हिरण्यकशिप को खींचा कि नहीं खींचा, अजामिल को खींचा कि नहीं खींचा। इसी तरह दक्षिण में एक भगवान के भावी कृपा पात्र कहे, भावी भूत तो होता नहीं भगवान ने, कृपा पात्र वो चोल देश में किसी गांव में हुए थे, उनका नाम था नीलर। अब नीलकंठ होंगे सब लोग नीलम नीलन कहते हैं, हम लोग नीलम ही नाम से नीलन, तो नीलकंठ। ये नीलन किसी भक्त शैव परिवार में जन्मे थे, उनके पिताजी बड़े ऊंचे योद्धा और सेनानायक थे और अपने यहाँ पहले परंपरा से पुत्र पौत्रों में परंपरा चलती थी, उन्होंने नीलन को भी अस्त्र शस्त्र चलाने में और सेना संचालन केवल बहादुरी का ही कार्य नहीं है, बहुत गणित का कार्य। अगर कुशलता से सैन्य संचालन किया जाए तो बड़ी सेना को भी छोटी सेना हरा देती, तो बहुत पड़ेगी योद्धा हुए और राजा ने अपनी एक सेना का सेनापति बना दिया इनको और उनको थोड़ा भूमि भी दे दी। बड़े राजा जगवन एक प्रसिद्धि थी कि अगर नीलन आ गए हैं तो अब किसी और की विजय संभव नहीं, नीलन ही की विजय होगी जिस पक्ष में। भगवान ने ऐसे भक्त को अपनी ओर खींचना चाहा, रास्ता बनाया कुमुदवल्ली का। आप लोग अगर जानते होंगे तो जैसे विष्णुचित्त ने आंडाल का, जो भगवान की प्रिया थी और अपनी पहनी हुई माला से भगवान तिरुपति नाथ को पहनाया करती थी, और भगवान वही पसंद करते थे, अगर आंडाल ना पहले तो माला ही नहीं पहनते। उसी तरह से इस कुमुदवल्ली का पालन किसी दिव्य ब्राह्मण ने किया था, ये अति सुंदर थी। तो ये तिरवली नाम का एक क्षेत्र है, वहां के एक नारायण मंदिर में सेवा करते थे वैष्णव। उसकी सुंदरता जग प्रसिद्ध हो गई। देखो
अगर भक्त है तो वैसे ही उसके मुख की आभा भिन्न हो जाती है। और ये तो पुण्यात्मा थी, उसका शरीर भी अद्भुत सौंदर्य वाला लामाने वाला था और उसके गुण इतने आकर्षक प्रशंसनीय थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसका हाथ कह दे। तो हमारे नीलन का मन हुआ भाई कि हम भी प्रयास करें। तो उसके पिता से कहा, पिता ने कहा तो कोई आपत्ति नहीं, आपका जैसा वीर हमारी पुत्री का हाथ ग्रहण करे, आप मेरे पुत्र इस बोले। तो पुत्री ने कहा देखो मैं वैष्णव हूँ, नारायण की भक्ता हूँ, मुझे तो कोई वैष्णव ही वर सकता है, जो वैष्णव होगा उसी के संग विवाह। अब हाथी को कैसे फंसाया जा रहा श्री नीलन नीलकंठन ने, नीलन ने एक वैष्णवाचार्य से दीक्षा ले ली और वैष्णव हो गए। तो कुमुदवल्ली कहती थी कोई बाह्य परिवर्तन से कुछ नहीं होता, तिलक लगा लिया। हमने हमारा अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूं, कुछ लोग तो वही कर लेते हैं। अंदर से हमको दिखाओ, अगर मुझे एक साल तक 1008 वैष्णव विप्रो का भोजन करा के उनका प्रसाद दे तो मैं तैयार हो जाऊंगा। अब कुमुद वल्ली के आकर्षण के कारण, भगवान के कारण नहीं, ब्राह्मणों के कारण नहीं, वैष्णवत्व के कारण नहीं, कुमुद वल्ली के कारण उन्होंने भोजन कराना शुरू कर दिया। बड़े बड़े विप्रा भोज के बाद प्रसाद जाए। अब उसका परिणाम ये हुआ कि नीलन का मन बदल गया और अब उसको आनंद आने लग गया। खैर कुमुदवल्ली ने उसके संग पानी ग्रहण किया और उसके अब दो वैष्णव इकट्ठे हो गए, अंदर से भाव परिवर्तन होने लग गया। नीलन ने अब वैष्णवों को ब्राह्मणों को भोजन कराने में परमानंद की अनुभूति कर ली। तो अब ये तो ऐसी शराब है जिसने एक बार चख ली वो कभी छोड़ ही नहीं सकता। और अभी उसकी आदत महात्मा की तो मैं क्या शिकायत करूं, साहब लूट लाट लेते हैं। वास्तव में लूटते लाटते तो क्या है, लक्ष्मी तो उनकी पत्नी, उनको क्या लूटने लाटने की जरूरत है, जहां जीव फंसा है वहां से निकाल देते। तो नीलम ने सारी संपत्ति अपनी लगा दी, राजा का कुछ कर रखा था सालाना देने का, उसको भी जय श्री कृष्ण कर दिया। अब आप लोगों को तो मालूम होगा ही जरूर कि जो ऊपर के लोग होते हैं राजाओं महाराजाओं के पास, जो उनके निकट होते उनको वहां से हटाने के लिए द्वेषी लोग बहुत प्रयास करते हैं, अपनी एक आंख फोड़ करके भी उसकी दोनों आंख फोड़ना चाहते हैं। नीलन की शिकायत राजा के पास की गई। नीलन अब राजा लोग अपनी ही कर वसूली के लिए बड़े सचेत रहते, तुरंत इसने भेजा जाओ उसको पकड़ के ले आओ। अब ये सेनापति था, भगा दिया राजा से लगाओ, क्या हिम्मत है। जब तो बात आई तो एक बार राजा स्वयं आए और जब आ गए राजा तो उनके सामने लड़ाओ, राजा हार गए। तब राजा ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि चलो हम तुमको, तुम सेनापति हो और सेनापति हो के तुम स्वयं राजा के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हो, चलो हम तुमको क्षमा करेंगे, लेकिन कर तो तुमको देना ही पड़ेगा, वो तो राज सत्व है और जब तक वो राज सत्व नहीं दोगे तब तक तुमको जेल में रहना पड़ेगा। तो नीलन को जेल में बंद कर दिया गया। अब वहां से कैसे व्यवस्था कर रहे थे मालूम नहीं, वहां अनक्षेत्र चल रहा था। एक दिन रात्रि में भगवान को स्वप्न देके कहा जाओ और वहां कांची नगरी की वेगवती नदी के तट पे वहां बड़ी संपत्ति इकट्ठा है,
उसको ले लो, राजा का कर भी चुका दो, सेवा भी करो। जब राजा ने कहा कि आप हमको निकाल दीजिए, मैं आपका कर चुका दूंगा, और राजा का कर चुका दिया और फिर क्षेत्र चालू हो गया। राजा ने देख लिया कि ये तो भाई बहन वरदराज भगवान की सेवा में जो वहां कांची उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ। राजा की भी बुद्धि बदली, उसने कहा भैया ये कर तुम्हारा ही है, तुम ले लो, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। राजा ने देख लिया ये कोई वैष्णव है, महापुरुष है, हमसे अपराध बन गया है। लेकिन अब जिनको लुटाने की आदत पड़ी हुई है तो फिर वो सारा का सारा जय श्री कृष्ण हो गया, सारी दबी हुई संपत्ति भी। और अब इन्होंने कहा अब क्या उपाय है, तो सोचा मैं तो सिपाही हूँ, लूट लूंगा, धनियों से लूट के गरीबों में बांटूंगा, भंडारा यही करने लगे। भगवान ने कहा इसका लक्ष्य तो उत्तम है लेकिन साधन असत है, अच्छा नहीं। तो लीलाधारी ने एक दिन लीला की, एक बड़े बढ़िया सेठ है और बड़ी तपड़ी सेठानी, 108 किलो की तो होगी कम से कम, मार कहने लाद करके छमा छम ऊपर से नीचे तक, अरे यार तो मजा आ गया है सेठाजी को लूटते से। खड़े हो जाओ, नीरन ने कहा खड़े हो, सब गहने उतारो, नहीं तुमको गहने भी और जान दोनों देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा भैया ले काहे को मेरी जान ले, तो जान छोड़ दो, तो जितने गहने थे उतार दिए वो, अब भगवान की लीला वो कितने गहने होंगे, अरे बहुत ज्यादा होगा, किलो भर होगा, 16-1.5 किलो ज्यादा कौन उठा सकता। लेकिन वो एक गठरी भर गई उन गहनों से। अभी नील तो खुश हो गया, वाह 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 इतना सोना मिल गया, कई दिन क्षेत्र तो चलेगा। अब जब वो गठरी भर गई बांधा तो उठाने लगे तो उठे ही नहीं। नीलन ने कहा ये कोई जादूगर है, क्या है तुम जादू कर रहे हो, क्या मंत्र है तुम्हारा बताओ हमको। तो उसने कहा ले भैया सुन ले, तुमने वही जो वैष्णवों का मंत्र है वो बता दिया, यहाँ भाई जो उच्चारण करो कि ना करो बता दिया, वैसे तो शिखर के पर तो मंत्र सुना दिया। और जब मंत्र सुनाया तो जैसे ही उसने गठरी उठाई वो एकदम चमत्कार बिजली की झटका सा लगा। अब न गठरी न सेठ न सेठानी न कुछ, जब वो चमत्कृत हो गया, ये कोई भगवान की लीला रूप समझ में आ गया। ऊपर देखा तो लक्ष्मी नारायण गुरु में जा रहे हैं, अरे प्रभु आपको मैंने शब्द कर आपको मारने के लिए कहा और आप इतने दयालु का, भैया मैं तो तेरा हूं, जाओ तुम्हारा मंगल होगा और तुम जा करके श्रीरंगम के मंदिर का अवशिष्ट कार्य कराओ और तुमको हमारा अनुग्रह प्राप्त होगा, तो हमारे अनुग्रह प्राप्त हो। तो कुंडवल्ली और नीलन दोनों वहाँ पहुँच गए, उन्होंने मंदिर का अवशिष्ट कार्य कराया, बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थी विद्वानों का उन्होंने संस्कार किया। वैष्णवों का और शैवों का दक्षिण में बड़ा भेद था, लेकिन वो उनके में एक बड़े प्रसिद्ध शैवाचार्य थे ज्ञान संबंध जी, वो भी नीलन का बड़ा सम्मान करते थे, उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुआ और सहयोग हुआ। वो अंत में भगवान ने कहा तुम मेरे धाम में चलो। और अब वैष्णव परंपरा में उन्हें तिरुपंगयालवार के नाम से जाना जाता है, और भगवान के आयुधों में उनके शांग धनुष के अवतार माने जाते हैं। किस तरह से भगवान अपने भक्त का उद्धार करते हैं ये उदाहरण है। भगवान हम सबको भगवान के चरणों में अनंत शरणागति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।